वैसे तो हर साल भारत को खेल में कोई ना कोई बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन ये साल खेल के लिहाज से भारत के लिए कुछ कड़वी तो कुछ मीठी यादों से भरा रहा। इस साल भारत ने टोक्यो ओलंपिक में यादगार प्रदर्शन किया, तो वहीं क्रिकेट में हर तरफ निराशी मिली। अगर हम क्रिकेट पर बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल T20 वर्ल्ड कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में खिताब जीतने से चूक गई, या फिर आप यूँ कह सकते हो साल 2021 भारत के लिए अच्छा नहीं रहा। इस साल खेल के मैदान पर खिलाड़ियों और स्टाफ के बीच कई ऐसे विवाद देखने को मिला जिससे फैंस को काफ़ी निराश होना पड़ा। साल 2021 में भारत को क्रिकेट के अलावा टेबल टेनिस और निशानेबाजी के खेल में भी निराश होना पड़ा। साल 2021 विवादों से भरा रहा। आइए जानते हैं कुछ विवाद के बारे में। विराट कोहली ने इस साल T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था, पर BCCI ने विराट कोहली से वनडे की कप्तानी भी छीन ली। विराट की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया। रोहित और विराट के बीच लड़ाई उस समय चरम पर पहुंच गई थी जब यह जानकारी सामने आई थी कि विराट कोहली रोहित शर्मा को उपकप्तानी के पद से हटाना चाहते थे। रोहित को उपकप्तानी से हटाने का प्रस्ताव लेकर विराट सिलेक्शन टीम के पास गए थे। न्यूज एजेंसी और तमाम रिपोर्ट के मुताबिक विराट KL राहुल को T20 का अगला कप्तान देखना चाहते थे, पर BCCI ने कोहली के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस साल जब भारत टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलना था, तब कोहली ने रोहित शर्मा को 2 मैचों से बाहर कर दिया। उन्होंने ये बात न्यूज चैनल वालों से छुपाया और टॉस के वक्त रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया, और यहीं से दोनों के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया। इससे पहले पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी विराट कोहली ने रोहित शर्मा को टीम में रखने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब कोहली को रोहित शर्मा की कप्तानी में क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये साल विराट कोहली और टीम इंडिया के लिए बुरा साबित हुआ। ये साल भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में रवि शास्त्री का आखिरी साल था। रवि शास्त्री के कोच में टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप 2019-2021 और T20 फाइनल भी गवा चुकी थी, और बाद में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में भी हार का सामना करना पड़ा, और इसीलिए BCCI के हेड सौरभ गांगुली ने रवि शास्त्री को हटाकर राहुल को कोच नियुक्त कर दिया। कोच पद से हटने के बाद से रवि शास्त्री सौरभ गांगुली के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं, और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग मुझे टीम इंडिया के कोच नहीं बनते देखना चाहते हैं। ऐसे ही साल 2021 विवादों से भरा रहा, और यही कारण है कि साल 2021 में भारत क्रिकेट टीम को खास कुछ सफलता नहीं मिल पाया। आपका क्या राय है नीचे कमेंट करना मत भूलना।